टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। भी छोड़ दो कुछ बात सुनो, तस्वीर तो लड़के की दिखाई नहीं तुमने, और एडवांस की रकम से ज्यादा कर तुम खाना खा गई हो। आए है, तुम तस्वीर की बात कर रही हो? मैं पूरा लड़का बुला लिया लड़की घुमा के। कहाँ है, कब आएगा? अरे रात तक पहुंच जाएगा। अच्छा वो मैंने तुम्हारे लिए ना वहाँ कुछ तहाइफ रखे हुए हैं, कपड़े, मैचिंग की ज्वेलरी सब है, उसमें ले जाना चाहते हुए। हाय हाय, तुम तो बड़े एडवांस टैग पे चल रही हो भाई। अच्छा ये लो ना, ये देखो, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आए सीधा उसे यहाँ ले आना। आए ऐसे कैसे ले आऊं, वो रात देर से आएगा। तो हम कौन से जल्दी सोते हैं, ले आना ना उनको। अरे भाई वो कुछ आराम करना चाहता होगा। अच्छा ये क्या है, फिर ये रहने दो। आए हाय, तुम क्यों फिकर कर रही हो, करवाती हूँ ना तुम्हारा काम। ये देखो अभी कॉल मिलाती हूँ। ऐसा करो रात का खाना बनवा लो। ये 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 हाय हाय, अल्लाह खुश रखे भैया को और सुल्ताना को। आई कैसा नवाजा है मुझे देखो। ओ खैरन, वेयर आर यू गोइंग, है फिरकी घुमा के? अरे फिरकी घुमा के नहीं, कितनी दफा बताया लट्टू घुमा के। और एक बात बताओ, ये तुम मेरे साथ इतना फ्री क्यों हो रही हो भाई? अब नहीं खैरन, मैंने ना तुम्हारे लिए सम ड्रेसेस निकाले हैं और कुछ गिफ्ट्स भी निकाले हैं। और ठहर जो जरा, है ये ना तुम्हारी एडवांस फीस है, है? है जबरदस्त, तो ला भाई जोड़े वोड़े तो दे दो मुझे। हाँ कीप इट ऑल, और मेरी बात सुन, और जो कुछ घुमाना है ना घुमा के ना, बस मुझे लड़की वालों की तरफ ना ले चलो तुम। आए अभी नहीं भाई, इस वक्त नहीं, वक्त के बहुत पाबंद है वो लोग, सो गए होंगे। ओ ओके, तो फिर टुमारो। आए हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, कल सुबह तैयार रहना, सुबह सुबह जाएंगे, रिश्ता पक्का करके आ जाएंगे लट्टू घुमा के। ग्रेट, थैंक यू सो मच खैरन, अब कल ना याद से आ जाना तुम। हाँ आए हाय आ जाऊंगी, तूने बड़ी फिकर की। चल भाई खैरन जल्दी से चली, चल आज तो बहुत माल मिल गया तुझे। तुरफटे मुंह बस। ओए मेरा लियान लेदर फैक्ट्रियां दा मालिक, और मैं पावांगी लेदर दी जैकेट, लेदर दे शूज, लेदर दे बैग, ते लेदर दे ग्लव्स, जुत्ती कसूरी पेरी ना पूरी, हाय रबावे सानू टुरना पिया, हाय रबावे सानू टुरना पिया, जिन्ना रामांती में बात ना जाना, ओनी रामी में सानू बुड़ना पिया, हाय रबावे सानू आ जाना खैरन कल। थैंक यू। मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा आज। तुम्हें भी मुबारक हो तुम्हारा रिश्ता। वैसे सारा, हम गुस्से में आकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ हो भी तो नहीं सकता। You know, we've been fighting because of our mothers, and और अगर हम उनकी सुन के उनकी पसंद से शादी कर ले, do you think वो खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये दोनों तो तब भी लड़ती रहेंगी।
I'm sorry, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। I'm also really, really sorry. देखो, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे और सजा ना दो। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। घंटों गुजर गए, ये खैरन का कुछ पता नहीं, ना लड़के को लेकर आई। फोन करती हूँ। कहाँ गई खैर? ये रही खैर। Your dad is not responding. आपके मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नहीं, फोन तो बंद नहीं कर सकती वो। बड़ी अच्छी खातून थी। ये अल्लाह पाक, अल्लाह बचा ले। दिल बैठा जा रहा है मेरा खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर यू डायल इज नॉट रिस्पोंडिंग। आपके मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अरे कहाँ मर गई? बंद क्यों है फोन इसका? Yeah! मानिएगा, आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक चली गई। एक अनजान औरत को अपना सारा सामान दे दिया। हमसे पूछा तो होता, हम आपको रोकते, मना करते, आपको मशवरा देते। तो क्या उस कोड़किली के साथ में अपने लियान की शादी कर दी? कभी नहीं, मैं लुट गई, मुझे मंजूर है। पर उस ले पालक के साथ में अपने अलियान की शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, आप खैरन वाली जगह पर रिश्ता कर दें, अलियान से हम बात कर लेंगे। अपनी भाभी का मजाक ना उड़ा, अल्लाह किसी को ऐसा मजबूर ना करे, ना करे। ये सब आप दोनों की गलती है। अगर आप दोनों सारा और आलियान के रिश्ते के लिए मान जाते। कभी नहीं। भैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। भैया कहीं से भी इस खैरन को ढूंढ के ला, और अगर नहीं लाया तो सारे साल की तनख्वाह नहीं दूंगी। जाए यहां से, मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना, इतने महंगे महंगे उसको जोड़े दिए मैंने, और जरा देर में लट्टू घुमा के चली गई मेरी आंखों में। आए, आए, जरा शर्म नहीं आई उसको, जरा शर्म नहीं आई उसको। ये बता तू मुझे, उस चोर लुटेरे को मेरे घर में कैसे लाया तू? भाभी आप पूरा ना मानिएगा, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आप लोग इतना आगे निकल गए कि अनजान इंसान को अपना सारा सामान सौंप दिया। अरे हमसे पूछ लेते, हम आपको समझाते, मशवरा देते, मना कर देते हम आपको। या आप दोनों सिर्फ अपनी अपनी लालच का नतीजा भुगत रहे। किसी की गलती नहीं है, सब कसूर आप दोनों का है।
अगर आप दोनों सारा और आलियान के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। कभी नहीं। ओ। अच्छा ठीक है। तीसरी बड़ी ताकत के सामने अपना मसला रख दो, मामला यूं हल। ये हम भी सोच सकते थे। बात तो सही है यार। मेरे फोन पे बेबी से किसने बात की थी? बेबी कहाँ थी, बाबा था वो तो। हाँ हाँ जो भी है, बात किसने की थी? वो सॉरी हमने की थी। अरे सॉरी क्यों कर रहे हैं, आपने तो जबरदस्त काम कर दिया भाई, मेरा मसला ही हल हो गया। वाकई? हाँ एक दफा इजी लोड करवाया था इससे मेरा, समझ रहा है, मुझे इससे प्यार हो गया, पीछे ही पड़ गया भाई। आप नहीं मगर, आपने तो समझे मेरी जान छुड़ाई है इससे। अरे आप फिक्र ही ना करें, आगे भी कोई मसला हो तो बताइएगा। देखिए फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आज भी जरा वो इजी लोड करवा दीजिएगा। टिकटॉक बनानी है ना, फैंस नाराज हो जाएंगे मेरे। भैया हाँ ठीक है ठीक है जी, आए। हाँ 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 ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। यहाँ से जी जी बैलेंस जी जी। हाँ हाँ बाय। भाभी। भैया। भैया हाय, ये क्या कूड़ा घर बनाया भाई घर को, तौबा। भैया भैया ओ भैया, मुझे चिट्टा चूना ना लगा, सेल के नाम पर शॉपकीपर मुझे इडियट नहीं बना सके, तो क्या ये उल्ली लगी डील ले लूंगी मैं? भाभी आपको भाभी की समधन बन के वही अहमियत मिलेगी जो आप चाहती हैं। बात सुन भैया, मेरे अलियान के लिए ना किसी रिश्ता एजेंट की जरूरत नहीं है, रिच रिच लड़कियां मेरे अलियान को देख के अश अश कर उठती हैं, हैं? I will do his marriage like this. ये रिच रिच लड़कियां जो है ना, पैसे वाली लड़कियां, एक मिनट भी लड़के की माँ को बर्दाश्त नहीं करती, आपको पता है, ये आपके बेटे को लेके चली जाएंगी। हाँ तो मैं की करना है, मैं भी अलियान के नाल चली जावांगी। अच्छा वो रख लेंगी आपको? मेरा अलियान जो है ना वो अपनी मम्मी के बगैर रह ही नहीं सकता। सोच लीजिए छोटी भाभी, आजकल लड़के रुख्सत होने का रिवाज हो गया है, और जो पैकेज आप खरीदने का सोच रही हैं, उसकी आजकल एक ही प्राइस है। व्हाट प्राइस? नो सास पॉलिसी। फोन दो मुझे अपना। नहीं दे रही यार मैसेज। फोन दो मुझे। मैसेज कर रही हूँ ना, नहीं दे रही मैं। रुक जाओ ना, एक मैसेज तो करने दो। अगर मैं ये फोन नहीं छीनती ना, तुम जैन भाई को मैसेज कर करके ना भगा देती, 17 मैसेज वो भी एक मिनट में। कितना तजुर्बा है ना तुम्हें मोबाइल छीनने का, जाओ अपना करियर बना लो इसमें। कौन ख्वाब देखते इतनी चिपकू बीवी के, तो देखो ना
आज मंगनी वाला दिन है और वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, आगे क्या होगा? हाँ तो बंदा बाथरूम में भी हो सकता है ना। एक घंटे से वॉशरूम में? अच्छा चलो ठीक है, वॉशरूम में अगर होगा भी तो क्या वो मुझे एक मैसेज नहीं कर सकता, आई एम इन वॉशरूम? शाम को आ रहे है ना, वो मंगनी है तुम्हारी, डर किस बात का? मैंने ना एक ड्रामा देखा था, एन शादी के वक्त पे ना लड़का रिप्लाई नहीं कर रहा था और फिर भाग गया। तो जैन भाई मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि शाम को उनको भागना है? नहीं हाँ, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है ना कि 100 में से अगर 1% भी चांस हुआ ना तो वो 1% मैं ही निकलूंगी। देखो मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है कि तुम नॉर्मली ना इतनी भी पागल नहीं हो, ऐसे वक्तों में ना लड़कियां डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने होने वाले शौहर को 1 मिनट में 17 मैसेज करे। पता है 99% लड़के ना इन हरकतों से भाग जाते हैं। आइए अगल में बात। तो बिजी है तो ऑनलाइन क्यों है ये बताओ मुझे। तुम ना तैयारी करो अपनी और रात तक ना ये फोन मेरे पास है। ज्यादा मसला किया ना तो अम्मी को जाके ऐसी शिकायत लगाऊंगी कि तुम अपने मंगेतर से बात करियो, और फिर वो 3.5 घंटे जो तुम्हारा दिमाग खाएंगे ना अपने पुराने किस्से सुना के, मुझे मत बोलना आके। अच्छा मोबाइल तो देके जाओ मुझे। नहीं देरी मैं। हाँ बे फगुरू, क्या एक बात बता, ये लंदन की जो करेंसी है ये कहाँ से चेंज होती है? हाँ अच्छा सही हो जाएगी, अबे सही रेट दे देगा। हाँ चल ठीक है, बताओ। धोखेबाज, आस्तीन के सांप, नेवले बिच्छू। ये हाँ बताते हैं, कहाँ है भाभी, कहाँ 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 है? तू है तू भैया, जिस घर में खाता है वही छेद करता है। भाभी छेद घर में नहीं होते, थाली में होते हैं। हाँ हाँ आम तौर पे थाली में ही छेद होता है, मगर तू, अरे तूने इतना बड़ा धोखा दिया है कि तूने इस पूरे घर में छेद कर दिया है। हमने किया क्या भाभी? तू उस फसादन बुढ़ी शबाना के साथ मिला हुआ है। हम क्यों मिलेंगे? भाभी अच्छा नहीं मिला। अच्छा तो बता क्या बातें हो रही थी तेरी उसके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के? भूल गया ना? अच्छा छोड़, ये बता कि लंदन के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो तो छोटी भाभी ने खुले कराने को दिए थे, खुले कराने। वाह वाह, इतने अरसे के बाद आज पैसे खुले कराने की सोची जा रही है, और वो भी तू करवा के देगा? अब भाभी वो तो खुद जा रही थी, मैंने कहा मैं करवा देता हूँ। भैया मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों हमारे घर का नमक खाने के बाद तू जाकर उससे मिल जाएगा। भाभी हम किसी से नहीं मिले। ठीक है अगर नहीं मिला तो ये बता कि क्या साजिश कर रही है मेरे खिलाफ वो। कौन सी साजिश? बन मत, मुझे सब कुछ पता है, अगर तूने सच सच नहीं बताया तो इस घर में रहने नहीं दूंगी तुझे मैं। या भाभी आप हमको निकालेंगे? हाँ इतने सालों की खिदमत के बाद हमको ये सलाह देंगे? ये तो तुझे गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था। हमने कोई गद्दारी नहीं की भाभी। हाँ तो फिर बता क्या साजिश कर रही थी वो मेरे खिलाफ? क्या बता रही थी सुबह हंस हंस कर और तू सुन रहा था? अरे भाभी कुछ नहीं बता रही थी कसम से, आपको तो हमारी बात पे, हमारी क्या, आपको तो कभी अपने अब्बा की बात पे यकीन ना आया, भाई साहब की बात पे कभी यकीन ना आया, आप बेयकीन खातून है। निकल जा इसी वक्त, इस घर से निकल जा, नहीं तो लाओ मेरा तांबे का हाथी, सर फोड़ दूंगी तेरा मैं। कहां गया मेरा हाथी? ठीक हम जा रहे हैं भाभी, लेकिन एक बात बता दें आपको, हमारे बगैर एक दिन नहीं गुजरेगा इस घर में आप लोगों का। ना गुजरे, बस तू निकल यहां से, चल उसी के पास रह जाकर। अब हटिए हम निकलेंगे। तेरे लिए मैं रास्ता छोड़ू, पाइप से उतर जा पीछे, घर से नहीं गुजरेगा तू। मनहूस, जब से तू आया है जिंदगी अजाब करके रख दी है, कमबख्त मारा कहीं का।
अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी ना, अम्मी को आपका ओहदा आपको वापस देना ही पड़ेगा। हम आपको आपका हक दिला के रहेंगे भैया। भाभी को भी तो पता चले भैया नहीं होता तो क्या होता है। मैं ना उनका सारा जरूरी सामान छुपा दूंगी। मैं किचन में सारी गड़बड़ कर दूंगी। गैस और पानी के वॉल भी बंद कर देंगे। और मैं मोबाइल की बैटरी छुपा के सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कर दूंगी। और वैसे भी इस चुईया की मंगनी का माहौल चल रहा है, इस वक्त ज्यादा चोट पड़ेगी तो असर भी दिखाएगी। समझ गई। और वैसे भी इस घर का निजाम अब जब भी ठीक होगा जब आप आएंगे। ओ चील उड़ी। नहीं नहीं नहीं, चलो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। चलो चलो चलो। काम वाम तो करती नहीं, चलो थोड़ा काम ही आ गई। नहीं ये गद्दार भैया अगर अभी भी पांव पकड़ के माफी मांग ले तो मैं इसे माफ कर दूं, मगर ये बड़ा ढीठ है। भैया 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 कहाँ हैं? पता नहीं अम्मा, भैया कहाँ चले गए? किसी जरूरी काम से बाहर गए। वापस कब तक आएंगे? इंशाल्लाह कभी नहीं आएंगे। हैं? और अब तुम दोनों अपने अपने काम खुद करोगी जैसे और लड़कियां करती हैं, समझी? ये लो सफाई करो, उठाइए ये झाड़ू शहजादी, चलो लग जाओ। सिबत कर दिए। भैया भैया भाड़ में क्या भैया, लगाओ झाड़ू तुम। शुक्र है भाई बच्चों से मोबाइल तो मिला वापस। इतनी सारी मिस कॉलें, आज तो मर गए। लगता है मंगनी गई मेरी। हालतू चलाल तू भाई भला को डाल तू। अरे जैन की कॉल। अरे इधर दो। सर बताओ तुम मेरी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? दिल भर गया ना तुम्हारा मुझसे? अरे 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 सुनो तो सही, क्या हो गया? मतलब क्या मंगनी सर पे चढ़ गई है तुम्हारे? थोड़ा ख्याल करो, जरा सुन तो लो मेरी बात। मैसेज देख के इग्नोर करना ना आखिरी इंतहा होती है। अरे अरे बात तो सुनो, मतलब किसी की मजबूरी भी हो सकती है यार। तुम्हें पता है शादी का घर है, मतलब मंगनी का घर है, 10 मेहमान आए हुए और बच्चे कितने शरारती होते हैं। जो सबसे ज्यादा शरारती ना हमारे खानदान का, उसके पास था मेरा मोबाइल, अम्मा ने दिया था ताकि वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे और बाकी सब घर वाले काम करते रहे। अभी वो शैतानी कुवत सोई है तो जाके मेरा मोबाइल मिला है। अजीब। अच्छा मुझे तो लगा। अरे भाई इसे लगा कि आप इससे नाराज हैं। अरे इसे तो वही लगता है जो नहीं होता, और जो होता है वो तो उसको लगता ही नहीं। ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं लग रहा? अरे नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, वो तो बस मैं ऐसे डायलॉग मार रहा था। बस अभी हम लोग 1 घंटे में निकल रहे हैं, मैं तो तैयार होने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा 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 बहुत हो गई आप दोनों की बातें, अब बाकी बातें ना स्टेज पे करिएगा। बाय। हाँ ओके बाय बाय। अबे कपड़े कहाँ गए मेरे? अम्मा प्यार में लोग कितना मजबूर हो जाते हैं ये तुम्हें क्या पता। और ये जो तुमने मेहंदी खराब की है इसे कौन ठीक करेगा? मेरी प्यारी बहना। चलो आप सही करो। सारी खराब कर दी, सारी हटानी पड़ेगी। हटाओ ना बहन हूँ तुम्हारी। धनिया पाउडर में ना कीड़े पिकनिक मना रहे हैं। सत्यानाश कर दिया घर का। अम्मी क्या ढूंढ रही है? यहाँ खड़ी हूँ सामने। तुम दोनों जवान जहान लड़कियां इस घर में हो और पूरा किचन उस भैया पे छोड़ दिया है। अरे ये मर्दों के काम नहीं होते, ये औरतों के काम होते। जरा मुझसे चूक हो गई, मैंने आके नहीं देखा तमाम जगह पर कबाड़ खाना बना दिया। अम्मी 2 दिन पहले तो आप खाना बना के गई हैं वो अपनी रिश्ते वाली एजेंट के लिए। हाँ तो चाय तो नहीं बनाई ना मैंने। क्या मतलब? मतलब ये कि
मैंने इतना ढूंढा तुम्हारी दादी के हाथ के बने हुए कॉर्नपोश तक मिल गए, मगर नहीं मिली तो पत्ती नहीं मिली। ओ पत्ती, मम्मी चाय भी तो भैया ही बनाते ना। अरे भाड़ में डालो भैया को। भैया तो काम से गए ना बाहर। अम्मा फोन करें ना, क्या पता रास्ते में वो वापस आ जाए। अरे कोई डंडा और झाड़ू तो दे दे मुझे। कैसा मर्दाना जो है, बिल्कुल तेरी चाची की तरह। अरे दो जल्दी से, कोई झाड़ू डंडा नहीं है। अम्मा झाड़ू तो भैया ही लगाते थे ना। 24 साल की उम्र में एक मर्तबा तो कहीं झाड़ू देखी। गया, देखो भाग गया सीधा नीचे गया होगा अपनी मालकिन के पास, उसी की शक्ल का लग रहा था। आई बड़ी चूहा चूहा चूहा। ऊपर जाओ नीचे। अब तुम दोनों ये सारा बावर्ची खाना साफ करोगी, पत्ती ढूंढो, चाय की प्याली वहां पहुंचाओ। चूहे से डरती हैं। फिर से नहीं आ जाएंगे। बनाओ चाय अब। हाँ, पत्ती कहाँ है? ढूंढो ना। कहाँ है पत्ती? वाकई में चूहा है नीचे। कहाँ मिली? नहीं। मैच से अगर अंपायर को निकाल दिया जाए तो मैच रुक जाता है, मगर अंपायर के निकलने के बाद ही खिलाड़ी हार ना माने तो समझो बात हाथ से निकल गई। अब इन खिलाड़ियों को कैसे हराए, कोई तरीका समझ में आए तो आप भी बताइए। तो हम पॉपकॉर्न खा ले, आप तरीका सोचिए। हाँ अरे कोई है घर में? हाँ भैया, क्या बात है? और हो तुम कौन और ऊपर कैसे आए? मैं बिजली वाला। आए हाय, आज पता चला कि महकमा बिजली में भी लोग काम करते हैं। और तुम ऊपर कैसे आए? हैं अला बिल लिया है फौरन। हैं बिजली का बिल लेकर आओ। बिजली का बिल लेकर आओ वरना फौरन मेन लाइन काटनी पड़ेगी। कैसे कैसे लाइन काटनी पड़ेगी? रुको रुको, ला रही हूँ। मिल गया, ये लो। देखा, पता चला? देखो पढ़ो। ये तो 3 साल पुराना है खाला। अब तो जरूर लाइन काटनी पड़ेगी, ये देखें। हैं? नहीं नहीं, लाइए दिखाइए। क्या आपने नाम है? व्हाट योर नेम? हसन। हसन बेटा, पप्पी देखो बात सुनो, मैं ना नया बिल ला रही हूँ, ढूंढ देखना पड़ेगा है। आप जब तक यहाँ बैठिए, मैं चाय और उबला हुआ अंडा आपके लिए भेज रही हूँ। ठीक है, जल्दी से मंगवा लें फिर। शाबाश, बैठ जाओ, हैं अभी आती हूँ। उठ रहे? ओ भैया, भैया इस गद्दार को तो मैं निकाल चुकी हूं, भाड़ में जाए। पूरा घर पड़ा है ये कमबख्त। भैया मरे भैया, मुझे नहीं जरूरत है भैया की, मैं खुद कर लूंगी। मैं किसी की जरूरत नहीं है मुझे, ये भैया टैया की। ओह
भैया कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी। ये घर है या क्रिकेट मैदान।